वर्तमान बड़ खबर हस्तगत होम सहित पूर्वतन सांसद जयंती पटनायक आउ ना परलोक होइथिबार दुखद समाचार जहां हस्तगत सूचना देखते पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक बड़ दुखद घटना जहां वर्तमान सामना गोटे घर हस्पिटा 90 वर्ष बयस जयंती पटनायक परलोक दुखद समाचार पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पत्नी होती जयंती पटनायक से प्रथम जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष रही पूर्वतन सांसद रही जयंती पटनायक परलोक घटी से आम सहित ना परलोक 90 वर्ष बयस गोटे घर हस्पिटा होइथिबार सूचना हस्तगत हो जो सूचना निरंजन पटनायक पूर्वतन पीसीसी सभापति प्रदान करिसेंती जयंती पटनायक आउ इहधाम रे नाहंती तांकर परलोक होइछि पूर्वतन सांसद तथा प्रथम जातीय महिला कमिशन रे से अध्यक्ष रहिथिले 90 वर्ष बयस रे जयंती पटनायक परलोक रे ये दुखद समाचार जहां हस्तगत होइछि सूचना देइछंती पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक पूर्वतन सांसद जयंती पटनायक परलोक घटिछि सूचना दुखद समाचार जहां वर्तमान समय हस्तगत होखापाखि 90 वर्ष बयस गोटे घर हस्पिटा परलोक चिकित्साधीन अवस्था वार्धक्य जनित समस्या से गति करते जयंती पटनायक परलोक जहां दुखद समाचार वर्तमान समय हस्तगत हो सूचना पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक तरफ आसी पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक पत्नी होती जयंती पटनायक 90 वर्ष बयस होता 7 एप्रिल 1932 मसीहा जन्मलाभ कर जयंती पटनायक 90 वर्ष बयस परलोक होइथिबार दुखद समाचार जहां पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक तरफ आसी नेशनल कमिशन फॉर वुमेन जो जातीय कमिशन रही महिला निम्ते जातीय महिला कमिशन से प्रथम अध्यक्ष साजिश जयंती पटनायक सांसद रही पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक पत्नी होती जयंती पटनायक परलोक होइथिबार दुखद समाचार जहां वर्तमान समय हस्तगत हो 90 वर्ष बयस होता गोटे घर हस्पिटा चिकित्साधीन अवस्था मृत्युर खबर वर्तमान सामना को आसू पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक सूचना देखते गणमाध्यम को जयंती पटनायक जी जानकी वल्लभ पटनायक पत्नी 90 वर्ष बयस धाम से त्याग कर वार्धक्य जनित समस्या रही चिकित्साधीन रही 90 वर्ष बयस परलोक हो सूचना पीसीसी सभापति निरंजन पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक तरफ सामना को आसी पूर्वतन सांसद रही जयंती पटनायक जातीय महिला कमिशन प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक रही।